अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं याज अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। और आज मैं आपको अपडेट देने लगा हूं अपने जो रूम के अंदर, मतलब नीचे जो गेस्ट रूम है हमारा, उधर जो प्लांटेड टैंक रखा हुआ। वैसे तो यहां पर दो टैंक हैं, एक ही ऊपर है और एक ही नीचे, तो इसकी नीचे जो प्लांटेड टैंक है इसकी अपडेट देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने प्लांट्स लगाने का तरीका जो है वो बताया था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर मुझे काफ़ी जगहों पर जो है वो वीडियो मेरे से सही से नहीं बन सकी, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है वो अब मुझे जो है वो ना चाहते हुए भी उसको जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट इस तरह करना पड़ेगा कि उसको समझ लें आप, रीमेक करना पड़ेगा या एडिटिंग करनी पड़ेगी, ये कह लें कि इस तरीके से करके मुझे उसको जो है वो फिर आपके साथ शेयर करना होगा। तो मगर क्योंकि कुछ मैंने चेंजिंग देखी प्लांट्स के अंदर जो मैंने ये लगाए, हालांकि दो तीन दिन ही हुए हैं, मगर दो तीन दिन में जो चेंजिंग्स आई हैं प्लांट के अंदर, तो वो मैंने बोला आपके साथ लाजमी शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि किस तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। पीछे जो है वो जावा लगा हुआ है और आगे जो है वो क्रिप्टो लगा हुआ है। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करी जाए क्रिप्टो और जावा की, तो इसकी ग्रोथ का मतलब इतना स्लो ग्रोथ करने वाला ये प्लांट है, इसका जो लेवल है वो इतना स्लो ग्रोथिंग लेवल है, इसका ग्रो लेवल है कि शायद एक महीने में एक से दो लीव फर्न और इसी तरीके से एक से दो लीव जस्ट जो है वो क्रिप्टो आपको प्रोवाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। हाँ, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि क्रिप्टो, जावा या कोई भी ऐसा फर्न, अमेज़न समेत ये पौधे क्या करते हैं, ये पौधे अपने बेबीज़ बना लेते हैं, मगर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब एडजस्ट हो जाते हैं, रूट्स अच्छी से बाउंडिंग हो जाती है नीचे, फिर उसके बाद ये इस तरह प्रोसेस चलता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लगाया हुआ है रणनंथरा, जो कि रेड कलर में, मगर पता नहीं क्यों रेड की बजाय वो मेहरून दिख रहा है कैमरे में, बाय द वे ये शायद हमारे कोई था कि मोबाइल की वजह से है। उसके बाद अगर आगे मैं आपको बताऊँ तो ये जो है ग्रीन वाटर रोजेस है, जो कि सिंगल कलर में है, ये दो कलर में होती है, तो आगे दूसरी भी लगी हुई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो वेलीगेशन होती है, ये सिंपल है, और ये बेसिकली कुछ जो कट पीस रह गए थे तो वो मैंने लगाए ताकि ग्रीनरी यहाँ पर भी थोड़ी हो जाए। उसके बाद ये बकूपा सॉफ्ट लिफ्ट के अंदर है, और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ कि इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। देखें नीचे, अगर आप देख सकें तो बारीक बारीक सी वाइट कलर की धागे नुमा रूट्स निकल रही हैं, क्योंकि इस प्लांट को थोड़ा सा संभालना मुश्किल है। अगर इसकी रूट्स नहीं आती हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये नीचे से गल जाएगा, और गलने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, खाली ऊपर का बचेगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, जाहिर है हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, वो पीछे भी फर्न है। अच्छा, इसको जब मैं वीडियो बना रहा था तो आई थॉट कि ये अमेज़न है और इससे कोई मिलती हुई रिलेटेड कोई वैरायटी है, बिकॉज इतना कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरा भी नहीं है प्लांट में। बाय द वे अभी स्टार्ट ले लिए तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे और वीडियो भी बहुत सारी आपके साथ शेयर वक्फन वक्फन करते जाएंगे। इन प्लांट्स में नहीं है, जो इंग्लिश प्लांट है, वैसे तो जो प्लांट्स मैं ब्रीड करा रहा हूँ खुद से, जो खुद से मेरे पास पाउंड्स के अंदर जो है वो चल रहे हैं, वो उनका मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये जो है कोकाम्बा है, तो बगूबा एंड कोकाम्बा, कोकाम्बा जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो देखें ऊपर से ये बेसिकली ज़्यादा ब्यूटी देता है, ठीक है जी। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करी जाए तो इसको भी ग्रोथ करना थोड़ा सा, इसके अंदर भी इशू है कि ये नीचे से अपनी जो स्टेम्प होती है उसको गला देता है, ख़राब हो जाती है स्टेम, ज़रा सी भी डैमेज होने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेम प्लांट हैं आप ये कह लें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे तो ये है वो वेलीगेशन ग्रीन वाटर रोजेस, और इसके कलर अभी कैमरे के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पत्ते हल्के हल्के से येलो और ग्रीन हो रहे हैं, हालांकि ये वाइट और ग्रीन होते हैं। अगर मैं करीब से दिखा सकूं तो ये वाइट और ग्रीन, मतलब जस्ट लाइक अ पाकिस्तान कलर, मगर ये कैमरा जो है हमारा वो अनफॉर्चुनेटली हमारा मोबाइल इस काबिल नहीं है कि इससे कोई इतनी हाई लाइट के अंदर, ये अंधेरे में वीडियो बनाने वाले मोबाइल में शायद यूज़ कर रहा हूँ। बाय द वे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ये देखें रूट्स इसकी काफ़ी सारी जो है वो जनरेट होकर अंदर चले गई। स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे फात भाई इसकी रूट्स आ गई हैं, तो देख लें आप क्या करना है, आप चाह रहे थे ये प्लांट लगाना अपने पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये SP10 मिनी, जिसको लॉर्ड वीगिया भी कहते हैं। अच्छा, इसको सनसेट से मिलता जुलता है ये कुछ, क्योंकि मेरे को खुद थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये चल रही है कि काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे हो गए हैं अब जो एक दूसरे से खुद ब खुद ही मैच हो जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो मगर ये हो रहा है प्रॉब्लम। और ये देखें, ये SP10 मिनी लॉर्ड वीगिया बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम रहा है पहले भी, पीछे थोड़ा सा लीली लगा हुआ है
और ये ग्रीन वाटर रोजेज, ये वाला जो है वो भी ग्रीन वाटर रोजेज है, मगर ये मेन उसकी जो, क्योंकि ये जितनी भी है ना कटिंग्स, ये वो कटिंग्स है समझ लो जो एक्स्ट्रा बच गई थी, तो बच गई थी तो वो हमने यहाँ लगा दी कि चलो यार यहाँ लगा देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं ना। और इसी तरीके से ये पीछे जो है वो ग्रीन कलर में अर्धनंतरा लगा हुआ है, ग्रीन कलर का है वो, मगर छुप गया उधर। तो अब ये जो है वो सनसेट के अंदर थोड़ा सा मिल रहा है, एक और इसका बड़ा नाम है, हार्ड मुश्किल सा है वो, मुझे याद नहीं है अभी, तो उसके अंदर ये जो है वो मैच कर रहा है। और बेसिकली इसके अंदर से आधे प्लांट ऐसे हैं जो टिटेरियम प्लांट है, और अगर से हम इसकी और इसकी बात करें तो ये टिटेरियम प्लांट नहीं है, अदरवाइज सारे प्लांट एज अ टिटेरियम, मतलब वो प्लांट हैं जो ग्रोथ करके पानी से बाहर तक भी आ सकते हैं, नो इशू। हाँ, मगर क्योंकि हम, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है कि रूम है तो यहाँ पर फ़ैन चलता है, तो फ़ैन के अंदर तो ये कंफर्ट नहीं रहते और ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं ऊपर से ड्राई होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हवा मुसलसल लगने की वजह से, अदरवाइज़ ये ग्रो करके बाहर आ सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगर आपका अपर टैंक ना है तो उसके साथ भी ये अलग, शुक्र है कि ये सब लगेंगे और ग्रोथ होगी। बाकी ये दिस वन इज़ माई फेवरेट, और मैं इसकी भरपूर जो है अपने पास पाउंड के अंदर जो है वो कलेक्शन मैंने इसकी रखी हुई है, और मैं चला रहा हूँ इसको, दो कलर में मेरे पास ये अवेलेबल, और मेरी कोशिश है कि आगे, क्योंकि ये मैंने देखा है ऐसा इंटरनेट के थ्रू कि ये रेड कलर में भी, रेड वाटर रोजेज, ये ग्रीन वाटर रोजेज है, रेड वाटर रोजेज के नाम से भी प्लांट अवेलेबल है, एक वैरायटी अवेलेबल है जिसके अंदर रेड शेडेड प्लांट होता है, तो उम्मीद है कि वो भी मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा ये कि एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व करी थी, एक अपने फ्रेंड से भी मैंने पता करा था, देखें अभी ये जो ग्रोथ की बात कर लेते हैं, अब ये तो मैंने आपको अपना इंट्रोड्यूस करा दिया प्लांट से, अभी मैंने देखा है कि 2 दिन में जो हमारे पास ऊपर के जो लीव्स थे वो थोड़े से जो हैं वो ग्रो हुए हैं, मगर वो ग्रीन हो गए ना। तो अभी आई डिसाइडेड कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने, ये देखें यहाँ से देख सकते हैं आप, तो इसमें हमने करना अब ये होगा कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ करके इसके अंदर अब हमने लगाना होगा रेड कलर की लाइट। तो रेड कलर की जब लाइट हम लगाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारे पास वो प्लांट और ये जो हमारे प्लांट हैं रेड वाले, ये हमारे को फिर बहुत अच्छे से रेड कलर में नज़र आएंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये देखें, मैं जिसकी बात कर रहा था कि ये ऊपर से ज़्यादा प्यारा लगता है, तो देख सकते हैं आप, यू कैन सी। तो इस तरीके से हमारे ये टैंक का सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि चल रहा है, अल्लाह ने चाहा तो हाँ ग्रोथ होएगी इंशाल्लाह, जो भी ग्रोथ होएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी ग्रोथ अभी चल रही है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी कि रूट्स आ रही हैं, जिनमें, इनमें रूट्स आ रही हैं, इनमें रूट्स आ रही हैं, और इसमें थोड़ा सा टफ़ टाइम देना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये बहुत नाजुक है। और बाकी इसके लिए, इसको रेड रखने के लिए, रेड कलर बरकरार रखने के लिए रेड लाइट का सजेशन दिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि ये सारे प्लांट जो लगे हुए हैं ये विदाउट CO2 हैं, ये सब लो टेक हैं, और ये सारे प्लांट मेरे पास सेल के लिए भी अवेलेबल हैं, तो यू कैन कोऑर्डिनेट विथ मी। सारे प्लांट्स देख सकते हैं आप ये सब, मगर वो जो उसका तरीक़ेकार है, वो जो कस्टमर है मेरे, उनको पता ही है कि किस तरीके से परचेज़ करना है, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसेस है, मैंने सोचा कि आपके साथ ये एक वीडियो बना के शेयर करी जाए। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लुक आ रहा है, रेड का अपना लुक है, ग्रीन का अपना लुक है, ये इनका, इनका रेड का अपना लुक है माशाल्लाह से। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है प्लांट्स के हवाले से, उसके अंदर प्लांट्स लगाने का तरीका, मतलब हाउ कैन यू अप्लाई द न्यू प्लांट विच यू बाय द मार्केट, और उसके बाद उसको लगाने का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से लगाया जाएगा जो वो सर्वाइव कर पाएँ और चल पाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो रिज़ल्ट आया अभी तक, कोई प्लांट मेरे पास ख़राब नहीं हुआ है, सारे प्लांट जो हैं वो इसमें लगे हुए, और मैंने बड़े शॉर्टली और जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करी है, क्योंकि काफ़ी सारे थे और मैंने सारे एडजस्ट करने थे, तकरीबन 6.5 फिट का टैंक है और इसके अंदर मैंने सारे एडजस्ट करना था, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सारे प्लांट्स मेरे पास सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।